के भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। आज का सम्मान है, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो, उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता, और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा और कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर भर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग, उत्साह व सेवा की लगन रहती है, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना, यह सेवा करना नहीं है लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडारा भरपूर हुआ। एक आत्मा की भी सेवा करेंगे तो कितना दिन उसकी खुशी का प्रभाव रहता है, क्योंकि वह आत्मा जन्म जन्म के लिए दुख से छूट गई, जन्म जन्म का भविष्य बनाया, तो आपको भी उसकी खुशी होगी। ऐसे सभी का अनेक जन्म सुधारने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो, क्योंकि उनका भाग्य बदलने के निमित्त बन जाते हो ना। गिरती कला के बदले चढ़ती कला का भाग्य हो जाता। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, यह ताजा फल है। डॉक्टर भी कमजोर को कहते हैं ताजा फल खाओ। यहाँ ताजा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। सदा सेवा की हिम्मत रखने वाले, विश्व परिवर्तन की हिम्मत रखने वाले
अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे सदा हिम्मत रख, औरों को भी निर्बल से बलवान बनाओ। बाप दादा हिम्मत रखने वाले को बच्चे को सदा मुबारक देते हैं। तो जब बाबा से मधुबन वालों का मिलने का टर्न आया था 88 में, तो बाबा ने कहा था कि ये सुखदेव है, मुझे सुखदेव है, सुखदेव हो ना, सुख देने वाला है, ऐसे हो ना, सभी को राजी करने वाले हैं, क्योंकि सेवा के राज को समझ गए। तो जो राज को समझने वाला है ना, वो सबको राजी कर सकता है, और जो राज को नहीं समझता वो नाराज स्वयं भी रहता है, दूसरों को भी रखता है। तो जैसा लक्ष्य रखा है संतुष्ट करने का, सुख देने का, ये बहुत अच्छा है। इस लक्ष्य से सभी ब्राह्मणों की दुआएं आपको सदा हर्षित बनाए आगे बढ़ा रही है। सदा खुश रहते हो ना, ये खुशी क्यों मिलती है? ये सुख देने का रिटर्न सबकी दुआएं खुशी बढ़ा रही है, समझे? इसलिए सदा ही इस विशेषता को आगे बढ़ाना, कम नहीं करना, उन्नति का साधन सदैव बढ़ाते रहना। बाप से प्यार और परिवार से प्यार में तो अच्छे पास हो, अभी किसमें पास हो? इसमें तो पास होना, अभी किसमें पास होना है? तो मैंने कहा योग में, तो बाबा ने कहा नहीं, स्नेह में पास है, परिवार से प्यार है और बाप से भी प्यार है, अभी पढ़ाई से प्यार रखना है। प्यार तो है लेकिन वहां का बैलेंस थोड़ा ज्यादा है, तो क्या होगा, पास विथ ऑनर हो जाएंगे, नहीं तो सिर्फ पास होंगे। तो पास विथ ऑनर होना है ना, इसलिए सब में मार्क्स लेना है। एक सब्जेक्ट में या दो में लेंगे तो पास विथ ऑनर नहीं होता है ना। वैसे ये अच्छा है, बहुत से अच्छे हो, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा होना है। अभी पुरुषार्थ तो करते हो लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो बाबा से मिलते थे सभी मधुबन वालों का टर्न आता था, तो वैसे बाबा मधुबन वाले कभी भी बाबा बुलाते थे, तो ऐसे तो खास उस दिन सिर्फ मधुबन वालों का ही टर्न था 88 में, सिर्फ भाइयों से मुलाकात हुई थी ओम शांति भवन में। मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। रूहानी सेवाधारी किसको कहते हैं? रूहानी सेवाधारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? रूहानी सेवा में आने वाले विघ्न, क्या क्या विघ्न आते हैं रूहानी सेवा में, रूहानी सेवाधारी के फायदे और लाभ क्या क्या है? तो दादी हमेशा कहती थी कि ओखनी में सिर डाला है तो मुसलों से डरते हो, डरना नहीं। तो ये सेवा भी क्या है, ओखनी में सिर डालना है ना, तो परीक्षा तो आती है लेकिन परीक्षा में कभी डरना नहीं है। रूहानी सेवाधारी बनने के फायदे क्या है, लाभ क्या है? तो सर्वों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं, सबकी दिल से दुआएं मिलती हैं। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि सेवा क्यों करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार है सारे विश्व में ये सबसे ऊंचे और महान आत्मा है, योगी आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, कितनी आत्माओं के कल्याण के निमित्त हैं, देवी घराने की आत्माएं हैं। तो ऐसे पुण्य आत्माओं की सेवा करने का तो हमेशा पुण्य मिलता है, भाग्य मिलता है और खुशी होती है, क्योंकि एक सेवा करेंगे तो कितना पदम गुना भाग्य मिलता है, क्योंकि जो आत्मा ठीक हो जाती है तो वो कितने की कल्याण करने के निमित्त बन जाती है। तो ये हमारा क्या है, ईश्वरीय परिवार है, देवी परिवार है। लौकिक में तो क्या होता है, छोटा भाई होता है, बड़ा भाई होता है, या तो कोई रिश्तेदार होते हैं, तो उसमें तो होता है ना थोड़ा
लौकिक ब्लड कनेक्शन के कारण भी सेवा होती है, थोड़ा स्वार्थ भी होता है। और यहाँ तो हमारा ईश्वरीय परिवार कितना बड़ा परिवार है, हाँ, और ये निस्वार्थ सेवा है, ये एक एक आत्मा है, बाप समान है। तो हमारा बाप कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, परमात्मा है। तो कहते हैं जन सेवा प्रभु सेवा, लौकिक में भी ऐसा समझते हैं। हाँ हाँ, मानव सेवा माधव सेवा, माना ऐसा समझते हैं। तो सर्वों के दुआओं के पात्र बन जाएंगे ना, परिवार तथा सर्व के प्रिय बन जाएंगे। परिवार का भी कितना प्यार मिलता है, कभी भी कोई सेवा मिलती है तो सब कहते हैं कि भाई आप ही करते हो, तो कई कहते हैं भाई आप भी करो, कभी कई लोग कहते हैं भाई आप करते हो हमें भी अच्छा लगता है, तो मैं बोला भाई आप करो, तो बोला भाई नहीं ये हमारा काम नहीं है। तो माना एक क्यों अच्छा लगता है भाई, पेशेंट की सेवा करना क्यों अच्छा लगता है, कोई बीमार की सेवा करना, क्योंकि ये आत्मा को एक तो तकलीफ है, और पेशेंट बने क्यों भाई, कोई इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो हमें भी उस चीज़ का अटेंशन रहता है भाई ये बीमार हम पड़े नहीं, बीमारी आती क्यों है, शरीर बीमार नहीं होवे, ये सबसे बड़ी योगी आत्मा की निशानी है कि शरीर बीमार क्यों होता है, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते, अटेंशन की कमी, खान पान की, रहन सहन की, है एक्सरसाइज नहीं करना, तो कई बातों का ध्यान नहीं रखने से बीमार पड़ते हैं। तो हमारा शरीर ये क्या है, हमारा शरीर ये है कि एक अमानत है। बाबा कहते हैं ये आपका जो शरीर है ये रेस का घोड़ा है, तो रेस के घोड़े को जितना प्यार से संभालते हैं पुचकारते हैं उतना ही वो नंबर आगे लेता है, अगर उसको साबुक मारेंगे तो क्या होगा, वो बैठ जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए ये बाबा कहते हैं आपका ये शरीर है ये बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि कहते हैं ये मनुष्य जीवन अमूल्य कहते हैं, लेकिन हमारा ये जो ब्राह्मण जन्म है ये तो बहुत ही अमूल्य है। बाबा क्या कहते हैं, ये तुम्हारा जन्म है वो देवताओं से भी ऊंचा है, दुर्लभ है ये, क्योंकि देवताएं तो सोने तुल्य हैं, सत्यों को क्या कहते हैं गोल्डन एज कहते हैं, और अभी क्या है हमारा जो ये संगम युग का जो समय है वो डायमंड युग है। तो जो सोने की कीमत और डायमंड की कीमत कितनी होती है, बहुत बहुत फर्क है। तो ब्रह्मा बाबा तो डायमंड का व्यापार करते थे, कभी उसका दोस्त कहते थे कि लखी बाबू ये साड़ी का जो है ना पोटला है वो लेके जाओ, तो बोला कि देखो ये तुम्हारी 5,000 की साड़ी है, इतना बड़ा पोटला, और ये मेरा छोटा सा डब्बी में 5,00,000 का ही है, ये ले जाओ कहीं और ले जाओ। माना सर्वश्रेष्ठ जो जीवन कहा जाता है वो हीरे तुल्य जीवन है। तो हमारा ब्राह्मण जीवन है वो कौन सा जीवन है, हीरे तुल्य। तो इस हीरे तुल्य जीवन को, अमूल्य जीवन को एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो बाबा कहते हैं अभी एक एक सेकंड में कितनी कमाई होती है, अगर एक सेकंड गवाई तो कितना मिस हो जाता है। ऐसे दादियाँ भी हमेशा कहती थी कि एक नामी भी और एका नामी, कम खर्च वाला नसीब, खर्च भी कम हो और अच्छा हो। कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो भाव पूछते थे भाई ये कितने का ये कितने का, तो बोला कि हमको तो 100 किलो लेना है या 1,000 किलो लेना है, ऐसे बात करते थे, तो उसका भाव बताओ। फिर बोला कि भाव तो होलसेल का बता देंगे भाई, ये तो बहुत बड़ा ग्राहक है। फिर बोला अभी तो हम 5 किलो 10 किलो लेके जाते हैं, फिर बाद में अगर ले जाएंगे कि सैंपल अच्छा लगा तो। मैंने ऐसे देखो यज्ञ का कितना ख्याल रहता है कि यज्ञ का एक पैसे की बचत है,
कितना बड़ा भाग्य बनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि सो शक्ति वाला भी कपड़ा पहनो, फटा हुआ नहीं पहनो, लेकिन सो शक्ति वाला भी पहनो। एक नामी एका नामी, जब जानकी दादी विदेश से आती थी तो दादी मेरे को बोलती थी, ये पेस्ट है ना उसको बेलन लगा के ले आओ, माना थोड़ा भी वेस्ट न जाना चाहिए, कितना ख्याल रहता है। तो दादियों ने कितनी सेवा की, कितनी एकानामी किया। तो एकानामी क्यों किया, क्योंकि भाग्य बनता है। जब वो यज्ञ में उस समय तो इतना पैसा नहीं था, इसको भी कहते थे भाई जाओ इधर सेवा में जाओ, तो बाबा तो जनरल टिकट के पैसा देते थे, लेकिन सेवा करते थे जा करके टीटी मास्टर की, या तो जो वहाँ ऑफिसर होते थे उसको बोलते थे भाई हम तो ऐसे जनरल में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम तो भगवान की सेवा करते हैं, विश्व का कल्याण करने के लिए करते हैं, तो तुम्हारा काम है ना हमको अच्छी जगह देना। तो बोला कि भाई ये तो ला नहीं है। भाई क्या ला क्यों नहीं, भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं, कोई हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं। तो देखो बुद्धि परिवर्तन हो जाती, तो फर्स्ट क्लास में बिठा देते थे, जाओ इसको फर्स्ट क्लास में बिठा दो। तो ऐसे सेवा किया, एक नामी एका नामी से सेवा किया, पैदल चल के जाना और थोड़े से पैसों में गुजार करना, थोड़ा सा भी कुछ खाया, एक टाइम खाया एक टाइम नहीं भी खाया, पानी पी के सो गए, लेकिन सेवा का उमंग उत्साह था कि हमें सारे विश्व का कल्याण करना है। ये उमंग था, ये उत्साह था कि भगवान का परिचय देना है। बाप के जो बच्चे हैं वो कई आत्माएं भगवान को ढूंढ रही है, उसको पता नहीं है, लेकिन हमें उसको बाप का परिचय देना है, उसको जगाना है। कितनी आत्माएं तड़प रही है, कितनी दुखी है, कितनी अशांत है, अगर उसको बाप का परिचय मिल जाएगा तो उसके जीवन में खुशी आएगी, शांति आएगी, हिम्मत आएगी, उमंग उत्साह आएगा। ऐसे अपने परिवार सारे विश्व की आत्माओं को क्या समझा ये कौन है, साधारण वृत्ति से नहीं देखते थे, लेकिन एक महानता की दृष्टि से देखा कि ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान को पा जाए तो इसका जीवन कितना बदली हो जाए, ये भगवान से वर्षा ले ले, अभी तक तो वो ढूंढ रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं भगवान क्या है। तो ज्ञान सुनाते थे तो खुशी होती थी, उसके जीवन में एक आता था कि भाई हमें भी ऐसा देवता बनना है। तो कैसे भी बुराइयों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते थे, क्योंकि जीवन देखते थे इतना पवित्र जीवन, इतना योगी जीवन, इतना त्याग का जीवन था। तो ऐसे त्याग के जीवन से, ऐसी तपस्या का जीवन था, जो लोगों को कहते थे कि आप आत्मा हो। तो ऐसी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के दूसरों को जब आप कहते हो तो उसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, बाप का साक्षात्कार हो जाता है। तो उसी स्थिति में हमें स्थित होकर के दूसरों को समझाना है। तो बाबा कहते हैं कोई अगर आपके तरफ देखता है, कोई तरफ नहीं देखता है, तो लेकिन आप समझाते समझाते हुए भी अंदर से ये अभ्यास करते रहो, अंदर से मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही सेवा एक साथ साथ होती रहे। मनसा में ये शुभ भावना रहे कि ये आत्मा का जरूर कल्याण होना है, वाचा में उसको ज्ञान देते हैं, कर्मणा से हमारी इतनी नम्रता इतनी उदारता की भावना है, प्यार की भावना है, स्नेह की भावना है, कल्याण की भावना है। अगर वो गुस्सा करता है तो भी हमें उस आत्मा के प्रति गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो परवश है, हम समझते हैं वो तो परवश है, हमें तो मालूम है, तो हम गुस्सा नहीं करते हैं, वो उतावलापन होते हैं, धीरज नहीं होती है, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं होने के कारण ऐसे ऐसे करते हैं, अवगुण आ जाता है। लेकिन जब आत्मा में शक्ति आती है, आत्मा में एक हिम्मत आती है, एक खुशी आती है, एक बदलने का संकल्प आता है कि ये बदल सकते हैं तो हम भी बदल सकते हैं,
ऐसे अनेक आत्माओं का कल्याण किया। तो हम एक आधार मूर्त आत्मा है, ऐसे समझते हैं कि हमें सारे विश्व का कल्याण करना है। बाबा ने हमें निमित्त बनाया, बाबा के हम राइट हैंड है। कोई कहता है भी क्या करते हो, तो बोलते हैं हम भगवान को मदद करते हैं। तो कहते हैं कि भाई भगवान सारी दुनिया में, तो कहते भगवान हमें मदद करते हैं और आप भगवान को मदद करते हो, बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं कि शिव और शक्ति दोनों कंबाइन है, शिव के बिना शक्ति भी नहीं कर सकती और शक्ति के बिना शिव भी नहीं कर सकता है। तो हमारा कंबाइंड स्वरूप है शिव शक्ति पांडव सेना। तो हम विश्व कल्याण के लिए निमित्त आत्माएं हैं, एक आधार मूर्त है, एक उद्धार मूर्त है और उदाहरण मूर्त है। तो हमारे व्यवहार से, हमारी शुभ भावनाओं से अनेक आत्माओं का कल्याण होगा है। कैसे भी आता आत्मा आती है, हॉस्पिटल में कोई भी बीमार आते हैं तो कितना दुखी, कितना अशांत, कितनी परेशानी से आते हैं। तो डॉक्टर उसको थोड़ी कहते हो कि इसको तो कहते बहुत धीरज देते अभी ठीक हो जाओगे, बहुत अच्छा है, अभी तो और ही अच्छा हो जाएगा। अब अच्छा नहीं है भाई, कल जाने वाला है, फिर भी कहेंगे नहीं आप तो अच्छे हो जाओगे, ठीक है ठीक है। तो एक खुशी की किरण, एक उमंग की किरण, एक उत्साह की किरणें देते हैं तो आत्मा में शक्ति भर जाती है, बदलने का पावर आ जाता है, एक सहन शक्ति आती है, समाने की शक्ति आती है और व्यर्थ बातों को, व्यसनों को छोड़ने का एक उमंग आता है। तो जब उमंग और उत्साह आता है, एक शक्ति भर जाती है, तो असंभव कार्य भी करने के लिए वो तैयार हो जाती है। क्योंकि आजकल दुनिया में तो लोगों को व्यसन छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब बाबा के ज्ञान प्राप्त होता है तो कितने सालों से पुरुषार्थ करने के बाद नहीं छूटता, वो एक सेकंड में छूट जाता है। ये किसके कमाल है, ये बाबा की कमाल है और बाबा के बच्चों की कमाल है, सारा बाबा ही कमाल करता है। तो बाबा कहते हैं सर्वों के दुआओं के पात्र बन जाएंगे, तो सर्व आत्माओं की दुआएं मिलती है, परिवार तथा सर्व के प्रिय बन जाएंगे, दुआओं के विमान में उड़ते रहेंगे। तो कहते ना कि दुआओं का विमान, वो विमान तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन ये जो दुआओं का विमान है वो एक्सीडेंट के टाइम भी वो मदद कर देता है, उसमें भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। कैसी भी परिस्थिति आती है उस समय बाबा सहारा बन जाता है। एक बार जगदीश भाई कोई जगह गए थे, उसको बोला कि वहाँ नहीं जाना, लेकिन वो बोला ये शॉर्ट रास्ता है, वहाँ से चले जाता हूँ। तो वहाँ तो बहुत काले काले लोग और बड़े बड़े लोग अफ्रीका में मिले, उसको तीन चार लोग मिले, वो तो बहुत मोटे थे, उसके पास तो सब हथियार साधन थे, उसने पकड़ लिया उसको, बोला कि निकालो सब। तो उसको बाबा की याद आई, बाबा को, बाबा कहते हैं नहीं हर परिस्थिति में हर समय बाबा को याद करो। तो बाबा को याद किया तो बाबा ने टच किया, तो बोला कि आपको इंडियन डांस आता है, तो बोला नहीं मैं आपको इंडियन डांस सिखाता हूँ। तो उसको बोले कि आज तो छोड़ना पड़ेगा इंडियन डांस देखने के लिए। तो डांस करने लगे और देखा रास्ता कहाँ क्लियर जाता है, ऐसा दौड़े फटाफट भाग गए। तो कैसे बाबा देखो सहज मुक्ति दिलाता है, उसको लगा ये तो डांस कर रहे हो, तो वो तो लेकिन भाग गया होता अभी। तो बाबा बहुत सहज बात कर देते हैं, असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। सर्व के दिल पर राज कर सकेंगे, तो सर्व के दिलों पर राज करने का आधार सेवा है, क्योंकि सभी को एक आशा की किरण रहती है, एक उमंग रहता है, एक खुशी रहती है कि इस सेवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। किसी को आप कहेंगे भाई आप अभी अच्छे हो और अच्छे हो जाओगे, ऐसे
शाबाशी देने से, थोड़ा उमंग उत्साह बढ़ाने से भी कई आत्माओं में अंदर खुशी की लहर आ जाती है, एक उमंग उत्साह बढ़ जाता है। कभी भी अकेलेपन का शिकार नहीं बनेंगे। जो सेवा करते हैं उसका बाबा कहते हैं ना, हजार भुजाओं वाला साथी हमेशा साथ रहता है। बाबा हजार भुजाओं वाले हैं। बाबा कहते हैं कि आप में बल शक्ति नहीं है, लेकिन आपका साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है। आपका एक कदम उमंग उत्साह और हिम्मत का और हजारों कदम की मदद देना बाप का काम है। लेकिन बाबा कहते हैं आप एक कदम हिम्मत का रखो। तो क्या कहावत है, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। आंतरिक खुशी और नशे में रहेंगे जो सेवा करते हैं उसको आंतरिक खुशी रहती है। आंतरिक खुशी क्यों रहती है? एक होता है कि भाई जब वो तो दुख में है, लेकिन हमें आंतरिक खुशी क्यों बढ़ती है? क्योंकि क्या सेवा करते हैं, किसी को ठीक हो जाता है तो ये अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाती है। ये आंतरिक खुशी रहती है। और नशा रहता है कि हम किसके सेवा के निमित्त बने। ये साधारण आत्माएं नहीं है, ये महान आत्माओं है, ये देव आत्मा है। ऐसे महान आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाते हैं। बाबा के एक्स्ट्रा प्यार का अनुभव होगा। जो भी कोई भी सेवा मिलती है, कभी भी मिलती है, तो बाबा के एक्स्ट्रा प्यार का अनुभव होता है। विश्व रतन दादा कहते थे कि क्लास के टाइम बाबा मुझे कहते थे, बच्चे जाओ दूध लेके आओ, सब्जी लेके आओ। तो मैं समझता था कि सब तो क्लास में बैठे हैं और मैं उधर सेवा में जा रहा हूँ। नहीं, लेकिन मेरा भाग्य उसमें है। मैं जो सेवा करूँगा, इतनी आत्माएं बैठेंगे, इतने आत्माओं का जो पालन पोषण होता है, भरण पोषण होता है, इतनी आत्माएं खुश होगी तो उस सभी आत्माओं की दुआओं के निमित्त बन जाएंगे। सभी का शेयर मिल जाएगा। कितनी बड़ी सेवा है। तो कहते हैं कभी भी कोई भी सेवा में ना नहीं करना, हमेशा उस सेवा में एवर रेडी रहना। कभी कभी भाई जी बोलते आज क्लास कराना, तो क्लास कराने के लिए तो भाई अभी टाइम है नहीं है, तैयारी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हाजी कर दो तो बाबा मदद करता है। तो हाजी करो तो एक का पदम गुणा मदद मिल जाता है। सभी हमारे ऊपर गर्व भी करेंगे और अधिकार भी रखेंगे। कोई भी सेवा करना हो तो कहीं कहेंगे ना, भाई उसको दे दो वो कर देगा, आप निश्चिंत हो जाओ। एक बेफिक्र किसी को रखना और किसी को एक उमंग रहता है भाई ये करेगा तो सब अच्छा ही हो जाएगा। तो इतना आत्मविश्वास बढ़ता है, एक दिल की दुआएं मिलती है और निश्चिंत बना रहता है भाई जहाँ जाएंगे वहाँ सफलता है ही है। क्योंकि जो हाजी करते हैं उसको बाबा की एक्स्ट्रा शक्तियाँ भी मिलती है, दुआएं भी मिलती है। क्योंकि हाजी का पाठ करना ना, उस समय तो आपने हाजी का सोचा भी नहीं कि भी कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, लेकिन सब सरकमटांस सब ठीक हो जाता है। कोई भी परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगती। स्वस्थिति के आगे कहते ना परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ नहीं लगती। बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है, कहाँ भी जाते हैं, कैसा भी टाइम होता है, लेकिन हर समय ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम बाप दादा की छत्र छाया में हैं, ऐसा अनुभव होता है। रूहानी सेवाधारी अर्थात ATS माना जो ATM होता है उसमें कैसे कभी भी पैसा निकालना, ऐसे ही माना एनी टाइम सेवा करना है ना। तो माना
एनी टाइम सेवा करना। कभी भी कोई कहते थे भाई अभी जाना है, अभी 6 मिनट 5 मिनट 10 मिनट टाइम है, 6 बजे की टाइम है। बाबा भी ऐसे कहते थे बच्चे जाओ अभी 6 बजे की बस है उसमें जाओ, 5 मिनट बाकी है। तो बोला बाबा 5 मिनट 10 मिनट बाकी है, तैयारी भी करना है। बोला नहीं, जो हाजी करते थे उसको कहते पास, और नाजी कहा माना ना पास। एवर रेडी रहना हर समय, बाबा ने कहा तो बाबा मदद करता है। बोले वो बस भले लेट हो जाएगी आप पहुंचो जाओ, हाँ बाबा बस को भी रोक देगा। तो कैसे जैसे कहते हैं मम्मा को बोला नहीं कि मम्मा आप पार्टी के लिए हलवा बनाओ, तो पार्टी तो जा रही थी तो किसने बोला कि मम्मा पार्टी तो जा रही आप हलवा क्यों बना रहे छोड़ दो। लेकिन क्या बोला, बाबा ने कहा है बच्ची हलवा बनाओ। हलवा बना दिया तो बोला मम्मा ने कहा बाबा हलवा बना, जाओ जाओ बस स्टैंड पर देख के आओ। बस स्टैंड पर बस खड़ी थी, दे के आए तो कितना खुश हुए, देखो बाबा ने हमारे लिए हलवा भेजा। तो कभी भी बाबा को भूल नहीं सकते, ऐसा प्यार करेगा कौन। माता पिता की ऐसी भावना, इतना प्यार, तो हर एक बच्चे के प्रति इतना प्यार की भावना रहती थी, इतना उमंग उत्साह रहता था कि ये बच्चे किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, ये बच्चे विश्व कल्याण करने के निमित्त हैं। तो जो बाबा हलवा खिला दिया उसमें कितनी शक्ति आ गई, उसमें कितना उमंग उत्साह आ गया। तो एनी टाइम सेवा, एवर रेडी एक्टिव, एवर रेडी हमेशा एवर रेडी और एक्टिव। रूहानी सेवाधारी बनने के लिए किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, रूहानी सेवाधारी बनने के लिए किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है? हाँ, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, कंफर्ट जोन अहंकार का भी त्याग करना पड़ता है, और सर कटना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है, तो कहते समय का त्याग करना पड़ता है। भाई हम कहेंगे भाई अभी समय नहीं है, अभी मेरा नींद का समय है, अभी मेरे घूमने का समय है, अभी मेरा भोजन का टाइम है, ये नहीं, सब से कुछ भूल जाते हैं। तो कहते हैं जब सेवा का समय आता है तो वो सेवा का टाइम सब भूल जाता है। एक बार हम सेवा में थे हॉस्पिटल में, तो सौगात मिल रही थी भाई, दादी का दिन था, पहले ही दादी का दिन था, सोने का बेज मिल रहा है। बोला तो मैं बोला अभी हमको तो गोल्डन बेज मिलने वाला है, सोने का बेज क्या करना है, डायमंड बेज मिलने वाला है। तो मना ये उसमें त्याग, भाई डॉक्टर बोला ये थोड़ी छोड़ के जाना है, वहाँ यही रहना है। तो बाद में तो हम बोला चलो बाबा के भंडारे में जमा हो जाएगा, अभी हमारे तरफ से इतना क्या करना है बेज पहन करके, हमें तो साधारण रहना है, वनवास में है ना, हम इतना गोल्डन बेज पहन के कहाँ जाना है, अभी तो देखो बढ़िया बेज मिल गया। इस बार सम्मान समारोह था ना, तो समय का त्याग, रात को भी जागना पड़ते। दादी जानकी को बाबा ने पेशेंट की सेवा दी थी, नर्स की सेवा। तो जगदीश भाई जब बीमार थे तो मैं ग्लोबल में सेवा में था, दादा की सेवा में था, जो दादा पुराने थे, अर्जुन दादा थे। तो एक बार मैं आंगन में दादी बैठी थी और मुझे बुलाया, तो बोला कि जो आप जो सेवा करते ने वो मेरी दिल से दुआएं निकलती है, मैं नहीं कर सकती, आप करते हो। भाई दादी की सेवा तो अलग है, दादी कोई पेशेंट की सेवा थोड़ी की, दादी की तो दृष्टि देना, दादी का बोलना, दादी का इशारा, दादी करती थी ऐसे करती थी, तो भी इतना खुशी में गुस्सा आ जाता कि दादी ने बुलाया। तो माना कैसे दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। तो जगदीश भाई इतने बड़े भाई थे, माना भाई थे, बड़े भाई थे, तो बड़े बड़े महारथी भी उससे डरते थे, क्योंकि वो हमेशा हम समझते भाई दादी ने बोला है चलो सेवा करेंगे, लेकिन बहुत प्यार किया, ऐसा कभी मुझे तो डांट नहीं लगाया,
सब लोग तो डरते थे, लेकिन मुझे कहते थे, कभी कोई मीटिंग होती थी तो मुझे कहते थे भाई आप बाहर बैठना, क्योंकि मुझे उसको कभी प्यार भी करना पड़ता है, डांट भी लगाना पड़ता है कई बातों में, तो आपके सामने तो मैं नहीं लगा सकता हूँ ना। मैंने कितना प्यार था। मैं कभी भूल जाते थे चाय का, भाई इतने लोग सभी दादियों का बड़े भाइयों के कमरे में चाय पहुंचाना, किसकी मीठी चाय किसकी फीकी चाय, तो सोचते थे भाई ये रख के फिर इसको दे के आएंगे, तो भूल गया, तो भाई साहब ने कहा भाई भाई चाय तो नहीं दी लेकिन थर्मोस तो दे के जाते थे। ना कभी भी भाई साहब गुस्सा नहीं करते थे, प्यार कितना, वो इतना 10-15-20 का सेवा बता देते थे, इतना बीमारी में भी इतना एक्टिव रहते थे। अब हॉस्पिटल में थे तो उसको तो लीवर का कैंसर था, तो पेट बड़ा हो जाता था, पानी भर जाता था, तो ये बोला ये पेट बड़ा क्यों है मालूम है, ये गणेश की यादगार है। माना हमेशा खुशी में रहते थे, किसी को वो जब कोई आता था तो भाई साहब करते थे ना ऐसे, तो बोला हूँ क्यों, आपको लगा होगा भाई साहब को तकलीफ होगी, तकलीफ नहीं है कोई, हूँ का अर्थ क्या है मालूम है आपको, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ऐसे कह करके दूसरों को भी खुश कर देते थे और भी खुश रहते थे। हाँ 21 साल हो गया, माना 2001 में शरीर छोड़ा। हाँ तो वो कहते थे कि भाई डॉक्टर ने कहा था भाई ये लीवर है ना ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके उम्र के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं होता है। तो वो कहते थे कि भाई अभी तो जो 100 साल जिसने सेवा नहीं की है उससे भी हमने ज़्यादा करी, हमें संतुष्टता है, हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, ऐसा अंदर से उसको खुशी रहती थी। वो कहते थे कि अपना हिसाब किताब है ना वो खुशी खुशी से चुप्त करना है, हो बाबा हो करके नहीं, और आगे जाकर के हमें दूसरी सेवा करना है, दूसरा शरीर लेंगे दूसरी सेवा करेंगे, ये सेवा तो हमने पूरी कर दी, आगे जाके दूसरी सेवा करेंगे। मम्मा को कोई कहते थे कि मम्मा आपको इतनी तकलीफ है आपको ख्याल नहीं आता है, तो मम्मा कहते थे मुझे ये तकलीफ का ख्याल नहीं है, मुझे तो ये ख्याल है कि मैं ये हिसाब किताब चुक्त करके धर्मराज की सजा मुझे नहीं भोगनी है, क्योंकि ये हिसाब किताब मुझे मेरा चुक्त हो रहा है इसकी ज़्यादा मुझे खुशी है, इतनी तकलीफ है उससे ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि मेरा इस जन्म में इस कर्म भोग से हिसाब किताब चुक्त हो रहा है। हाँ तो कितना बड़ी बात है, जैसे दादी गुलजार को किसी ने बोला कि दादी ये अपना हिसाब किताब चुक्त कर रही ने, तो दादी कहती ये भी हम क्यों कहे कि भाई ये अपना हिसाब किताब चुक्त कर रही है, माना ये कर्म भोग है, माना ऐसा पाप कर्म किया जो इसका भोग रही है, भोग ना भोग रहे, ऐसा हम किसी के प्रति न बोले, हम तो जानते तो है ना भाई ये हिसाब किताब जो हमारा है वो हम चुक्त कर रहे हैं जानते हुए, लेकिन हमें ये किसी को कहना नहीं है कि भाई ये तुम्हारा हिसाब किताब चुप कर रहा है ना, भोग रहा है भोगो, ऐसे जैसे एक डॉक्टर ने बोला ने, उसकी माँ ने बोला कि बेटा मेरे को देख तो सही, तो उसने क्या बोला भोगो भोगो हिसाब किताब, तो उसका बेटा ने क्या बोला कि आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसको बोलते हैं भोगो भोगो, ऐसे बोलते हो क्या, मैंने कैसे देखो बच्चे ने जवाब दिया, तो फिर उठ के आया खुशी से बोला क्या माँ क्या है तकलीफ बता, मैंने कैसे हिसाब किताब चुक्त हो रहा है, तो इसकी खुशी हमें ज़्यादा होनी चाहिए। कहते ना जितने हम कर्म किए हैं उसको हमें खुशी खुशी से चुक्त करना है, तो खुशी कब रहेगी, कहते ना कि भाई पेट बीमार है पेट में तकलीफ है लेकिन चेहरा तो खुश रखो, चेहरा क्यों मुरझा हुआ है, माना चेहरे में खुशी न जाए। जैसे कभी मम्मा को दादियों को कोई बोलते थे भाई दादी आप कैसे हो, तो बोलते मैं तो अच्छी हूँ,
मुझे तो अच्छा है। तो बोला दादी आपको क्या तकलीफ है वो तो बताओ। तो बोला तुम मेरे शरीर के लिए पूछो तो मैं बताऊं, आप मेरे लिए पूछते हो तो मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं। माना आत्मा कितनी संतुष्टता है, भरपूरता है, कितनी आनंदमयी है, कितनी शक्तिशाली है, जो शरीर का भी भान भूल जाता है। तो ऐसे शरीर का भान भूल जाए, ऐसी सेवा हमारे मन से, हमारे मुख से, हमारे चलन से, हमारे चेहरे से हो। कहते हैं हमेशा खुश नसीब, हमारा खुश नसीब चेहरा भी बहुत सेवा करता है। तो समय का भी त्याग करना पड़ता है, नींद का भी त्याग, कई अवसरों का भी त्याग करना पड़ता है। भाई आज ब्रह्मा भोजन है, आज वहाँ फंक्शन है, तो उस अवसरों का भी त्याग करना पड़ता है। हर आत्मा की सेवा बाबा की सेवा समझ कर करना है। हम कोई जैसे दादी गुलजार के लिए कभी दादी को कोई सेवा करने के आनाकानी करते थे तो दादी ये कहती थी कि तुम मेरी सेवा नहीं कर रही, बाबा के रथ की सेवा कर, भगवान के रथ की सेवा कर। माना कैसे एक निष्पक्ष हो करके दूसरे को समझाना भाई ये सेवा किसकी है, भगवान के रथ की सेवा है, ये भगवान के अमूल्य रतन है, उसकी सेवा है। तो ऐसा महान कर्तव्य के लिए हम निमित्त बने हैं, ऐसा जब समझेंगे तो एक उमंग, एक खुशी, एक कोई भी कार्य करने का उमंग आएगा। तो निश्चय और विश्वास के साथ सेवा करना है। अभी वहाँ, अभी यहाँ स्थान का ठिकाना नहीं, कभी कहा तो कभी कहा है, तो ऐसे स्थान का भी ठिकाना नहीं, समय का भी ठिकाना नहीं, तो सब ठिकाना ठाकुर के ठिकाने पे लगा दो। निस्वार्थ और स्वार्थ रहित सेवा है, कोई भी स्वार्थ नहीं, क्योंकि बाबा हमें क्या दे रहा है, एक सेवा का पदम गुना भागी बना रहा है। कोई भी आश इच्छाओं से परे होकर सेवा करना, अपने लिए कोई भान नहीं, कोई ख्याल नहीं, अपने लिए भी कोई भान नहीं, भाई मैं तो इतने साल पुराना हूँ, इसकी सेवा ये तो अभी नया आया है, ऐसा नहीं, कोई देह भान नहीं, कोई ख्याल नहीं कि मैं क्यों करूं, और भी तो करने वाले हैं, लेकिन बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, हैं? तो निमित्त बन करके, एक इंस्ट्रूमेंट बन करके सेवा करना। मैं 75 में आया, जब हम ज्ञान में तो 70 में आए, तो ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी और इतना सब त्याग कर दिया, तो हमने भी 5 साल डायमंड का किया, लेकिन हम सब किस लिए किया कि लौकिक में थोड़ा बंधन था, और बाबा कहते हैं कि हमारा फर्ज पड़ता है कि माँ पिता ने, भाइयों ने जो हमें इतना पढ़ाया लिखाया, एक बड़ा किया है, तो हमारा भी फर्ज है कि हमें भी उसको भी सेवा करना। तो जब हम 5 साल तक डायमंड का जब सेटिंग हो गया, तो बड़े भाई और छोटे भाई, दोनों बड़े भाई तो अहमदाबाद में उस समय 100 मिल चलती थी, 100 से ज़्यादा कपड़े की मिले, तो उसमें सबका कपड़े की मिल में सब काम करते थे, साइकिल लेके जाते थे। तो फिर जब डायमंड का सब बिजनेस शुरू हो गया, तो उसमें तो अच्छी कमाई होने लगी, उस समय भी 1-2 लाख की कमाई होती थी एक एक मास में, हाँ। तो उससे फिर धीरे धीरे वो सब सेटल हो गया, तो हमको बोलते थे कि भाई आप वहाँ नहीं जाओ, तो हमने सोचा कि भाई अभी तो हमारा जो फर्ज है वो पूरा हो गया, अभी हमें अपना करना है, भाई उसके तो बाल बच्चे हैं, परिवार है, वो अपने लिए सोचते हैं, और हमें हैं शादी के लिए नहीं करते थे, कहेंगे वो क्योंकि वो तो कभी नहीं, क्योंकि वो कहेंगे अभी इसको भी छोड़ के चला जाएगा तो कौन संभालेगा उसको तो माना फिर जब हम तो यहाँ आ गए छोड़ के, फिर बाद में अच्छा था, बिजनेस भी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया चला,
अभी भी जो डायमंड की कमाई से जो हमारे दोनों बड़े भाई छोटे भाई सबके बच्चे अच्छे विदेश में हैं, और बड़े भाई तो सोशल सेवा करते हैं, उसका दो हॉस्पिटल भी है और एमएलए की सेवा, जब जो भी बहने आती है, अभी 200 बेड का है, 100 बेड का है और सोशल सेवा है, कोई भी आता है तो फ्री सेवा भी होती है, बहुत कम खर्च में हो जाता है। तो सेवा की भावना रहती है कि हमें भी रहता है कि बाबा की सेवा जितनी करेंगे उतना उमंग उत्साह बढ़ेगा। तो वो तो लौकिक में तो होता है ना भाई, ये नहीं जावे, लेकिन हमें तो मालूम पड़ गया ना भाई, फिर हमारे मम्मी पापा भाई भाभी सब यहाँ आए, देखा कि बहुत अच्छा है, तो फिर जाने को मना ही नहीं किया। ओम शांति। हाँ निखिलेश भाई एक साथ में गए थे। तो यहाँ तो डॉक्टर ने बोला था ना तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा, आपको तो जिंदगी भर रखना पड़ेगा, लेकिन वो डॉक्टर सचिन भाई ने भी बोला नहीं आप उधर ले जाना। फिर मैंने डॉक्टर से बात कराया तो बोला ये तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो इतने बहुत बड़े ऑपरेशन हमने तो किए, तो सर फिर बोला नहीं है ठीक है, तो बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि जो 50,000 का काम है वो वही 1.5-2 लाख लग जाता है, तो बाबा के यज्ञ की बचत भी करना है और काम भी अच्छा होना है, और कभी भी जाओ तो खुश होते हैं, सेवा की करते हैं। और वहाँ सेंटर पास में है तो सेंटर में भी सेवा हुई, तो लोगों ने भी कहा कि भाई हमारा सेंटर का उद्घाटन है तो आपका भी सम्मान समारोह रखेंगे, तो वो भी हो गया सब। ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।